जय श्री राम। 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा सैयद मुराद अली शाह के मजार पर आग लगा दी गई थी। गोरखपुर में हालात बिगड़ गए, प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रशासन के मना करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ सभा करने पहुंच गए और भड़काऊ भाषण भी दिया। 28 जनवरी 2007 को योगी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद ही तत्कालीन मुलायम सरकार ने गिरफ्तार करने वाले डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया। योगी आदित्यनाथ तब गोरखपुर के सांसद थे और महंत भी। इसी घटना के बाद योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ सख्ती का जिक्र करते हुए संसद में रो पड़े थे। पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है पंचू। पहाड़ों जंगलों का इलाका है। इसी इलाके में आनंद सिंह बिष्ट नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के घर अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। कुल 7 भाई बहनों में योगी 5वें नंबर पर थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूल में ही हुई। 10वीं की परीक्षा पास करते ही योगी इंटर करने ऋषिकेश पहुंच गए। चुनावी समीकरण बनाने में माहिर हो चुके योगी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के दौरान ही उनका जुड़ाव एबीवीपी से हुआ। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई करने के दौरान योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आ गए। योगी यहाँ महंत अवैधनाथ के संपर्क में आ गए। महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे, साथ ही योगी के गाँव के निवासी और परिवार के पुराने परिचित थे। अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर तो आ गया लेकिन फिर वापस पहाड़ों में नहीं लौट सका। योगी आदित्यनाथ बनकर हमेशा के लिए गोरखपुर के ही हो गए। बहुत कम लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ बचपन से ही परीक्षा में नकल करने वालों के खिलाफ बोलते थे। योगी के गुरु नागेंद्रनाथ वाजपेयी कहते हैं, योगी छात्र जीवन से ही नकल विहीन परीक्षा के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना है कि नकल करने वाले छात्र हमेशा टैलेंटेड छात्रों के हित का हनन करते हैं। जहां मेरिट से चयन होता है वहां मेधावी पिछड़ जाते हैं। 22 साल की उम्र में सांसारिक जीवन का त्याग करने वाले योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ ने 1994 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1998 में अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक वारिश भी घोषित कर दिया। 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन गए। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के सांसद बनने की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गए। तब तक उन्हें गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था। यूपी की सियासत में एक योगी की ये धमाकेदार एंट्री थी। जानकार कहते हैं कि राजनीति में योगी इसलिए इतने कामयाब होते चले गए क्योंकि उन्हें जनता से सीधे संवाद करना पसंद है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार ऐसा करते हुए देखे जाते हैं। कभी रात को अचानक निकल पड़ते हैं तो कभी एकदम से थाने में जाकर पुलिस महकमे को चौंका देते हैं। योगी का यही अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। सीएम योगी के बारे में कहा जाता है कि उनके नजदीकियों की लिस्ट लगातार बदलती रहती है। माने आज जो चेहरे उनके साथ दिख रहे हैं कल उन चेहरों की जगह कोई और होगा। यूं देखा जाए तो राजनीति में योगी आदित्यनाथ की शुरुआत 1996 में ही हो गई थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में वो महंत अवैधनाथ के चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे थे। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखधाम मठ के महंत भी, लेकिन उनकी पार्टी ने उनका बागी वाला स्वभाव भी अक्सर देखा है। कई बार उन्होंने बीजेपी को अपने फैसले को मनवाने के लिए विवश कर दिया है। पार्टी में उनकी ताकत और उनकी अहमियत इस बात से समझा जा सकता है कि मनोज सिन्हा यूपी की बागडोर संभालने को तैयार थे। आखिरी वक्त में फैसला योगी के हक में आया और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मुझे मेरी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई साजी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे।
तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, हम साधु संतों का क्या है, अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। 2008 में योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला किया गया था। हमला इतना बड़ा था कि काफिले के 100 से ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया था। किसी तरह योगी बचने में कामयाब हुए थे। गोरखपुर में ये योगी के शुरुआती दिनों की बात है। तब उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की हो, गोरखपुर में एक ही सरकार होती थी, योगी आदित्यनाथ की। कहते हैं तब गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह कई युवा योगी लिखवा लेते थे और पुलिस वाले की क्या मजाल कि वो गाड़ी रोक ले। पूरा देश जिस दिन होली दिवाली मनाता था उस दिन गोरखपुर में होली नहीं मनती। आदित्यनाथ के कहने पर गोरखनाथ मंदिर में होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहार का आयोजन एक दिन बाद किया जाता था और लोग खुशी खुशी मनाते भी। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, योगी जानते हैं कि संवैधानिक मर्यादा होती है, वह अब विवादित बयान नहीं देते, किसी एक पक्ष या एक धर्म की बात नहीं करते, लेकिन वो आज भी अपने आप को हिंदू कहने से नहीं कतराते। सीएम रहते अपनी पहली दिवाली मनाने अयोध्या पहुंचते हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या योगी ईद भी मनाएंगे, तो वो बेबाकी से कहते हैं मैं हिंदू हूं, ईद क्यों मनाऊंगा। अयोध्या में मस्जिद की नींव रखे जाने पर जब उनसे सवाल किया गया कि अगर मुस्लिम पक्ष बुलाएंगे तो क्या वो जाएंगे, योगी का जवाब था ना वो बुलाएंगे और ना मैं जाऊंगा। जिस उम्र में लोग परिवार बनाते हैं, परिवार से नजदीकियां बढ़ाते हैं, उस उम्र में योगी ने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। योगी और उनके भाइयों की एक बड़ी मार्मिक कहानी है। तब योगी गोरखपुर आ चुके थे, संत भी बन गए थे। परिवार के कुछ सदस्य तब उनसे मिलने गोरखपुर आए थे, लेकिन योगी के 3 भाई गोरखपुर नहीं आ सके। इन 3 भाइयों से योगी की मुलाकात 5 साल बाद हुई। बाघ के बच्चे को दूध पिलाने की तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। उस तस्वीर में सिर्फ योगी ही नहीं दिखते, उसमें एक ऐसी शख्सियत दिखती है जिसे ना तो किसी चीज का भय है और ना ही कुछ खोने का डर। आज की योगी में बदलाव आया है। यह बदलाव एक व्यक्ति के रूप में भी है और एक मुख्यमंत्री के रूप में भी। कई लोगों का मानना है कि आने वाले वक्त में योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी पर कई आरोप लगे। सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 के तहत वो जेल भी जा चुके हैं। भविष्य में देश के प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जाएगा तो हो सकता है उनके विरोधी उनके अतीत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। ये भी संभव है कि जिन्हें एक विवादित हिंदू नेता की संज्ञा दी जाए, इन सब के बावजूद योगी की दावेदारी कम नहीं होने वाली। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि योगी आरएसएस के कितने दुलारे हैं। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के बाद अगर वो दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आगे देश का प्रधानमंत्री बनना उनके लिए नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।